मैं आया तो पश्चिम बिहार से हूँ, हमारी हमारी काम है और इंडिया में कंपनी है। तो ये गाड़ी हमने ली तो ये सोच के थी कि फैमिली के लिए लेंगे, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट कार बनाने का इसका हमने सोचा कि इसको कुछ डिफरेंट करते हैं, और इसलिए हमने इसको बीस्ट मोड में लाने की कोशिश की, ऑल ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन। इन प्राइस बहुत रीजनेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ओवर द टॉप प्राइस है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठे, तो उस तरीके से ये बनाई गई है गाड़ी। इसमें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स रखी गई है। यार मुझे कुछ करना पड़ा, मैं बताता गया और काम होता गया। A+ सेटिस्फेक्शन है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका न्यू ऑटो जोन में। मैं योगेश शर्मा, मैं हूं दोस्तों इस टाइम करोल बाग में, और पीछे आप जो है गाड़ी देख रहे हो ब्लैक कलर में। ये गाड़ी है दोस्तों टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। ऐसा लगता था कि दोस्तों जो टोयोटा है इन हाई क्रॉसों में ऐसा कुछ छोड़ेगी नहीं कि इन्हें करोल बाग में भी जाना पड़े, पर दोस्तों जब से ये गाड़ी आई है करोल बाग में इस पर्टिकुलर शॉप पर जो है सोन मून कार एक्सेसरीज पर लाइन लगी रहती है। यानी बहुत सी ऐसी एक्सेसरीज हैं जो रिक्वायरमेंट वाली आफ्टर मार्केट वाली जो है बचती हैं इस गाड़ी के लिए, चाहे इस गाड़ी का बेस वेरिएंट हो चाहे इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट हो। और ये गाड़ी आज ब्लैक कलर में खड़ी है। वेरिएंट की बात करूँ ये है दोस्तों VX हाइब्रिड वेरिएंट, यानी मिड वेरिएंट है, टॉप सेलिंग वेरिएंट है, ज़्यादातर लोग इसी वेरिएंट को जो है पसंद करते हैं। पर अब तो एक GX ऑप्शनल भी आ चुका है, उसमें भी काफ़ी, यानी वो भी एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वैसे तो। इसमें भी काफ़ी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज जो है रहती हैं। इंस्टॉल कराने के लिए गाड़ी करोल बाग में आ चुकी है। पैसेंजर्स के पास आई, यहाँ देखोगे तो एक दो तीन लाइन से ब्लैक कलर में गाड़ियाँ लगी हुई हैं इनके पास, क्योंकि जो मेनली इनका काम है हाई क्रॉस से ही रिलेटेड है, हाई क्रॉस में ही आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज जो है इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन्हीं से, वो ये मैं तरीके से बताएंगे कि आज ये क्या क्या जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज जो है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के VX हाइब्रिड वेरिएंट में जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ जी मोनू भैया, कैसे हो? नमस्कार, बहुत बढ़िया। योगेश आप बताओ क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। तुमने शर्ट तो व्हाइट पहन रखी है और गाड़ियां सारी ब्लैक ही ब्लैक खड़ी कर रखी है, लाइन से तीन तीन है। यार बाई चांस ना लक होता है कभी कभी। अच्छा। व्हाइट रहती है तो लाइन से व्हाइट रहती है। हाँ बिल्कुल। ब्लैक रहती है तो लाइन से पूरा ब्लैक रहती है। हाँ, बिल्कुल, तो बाई चांस होता है, ये ऊपर वाली की मर्जी होता है। सारी आज ब्लैक ही ब्लैक गाड़ियां खड़ी है, सारी आज ब्लैक। और ब्लैक गाड़ी पे ना PPF तो करवा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी होता है। PPF होने के बाद दोबारा शाइनिंग आ जाता है इस कार में, और लुकिंग वाइज तो एक नंबर बन जाता है, बन जाता है। और ये गाड़ी जो है योगेश VXO है। अच्छा। और इस गाड़ी में बहुत अल्टीमेट काम होने वाला है। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम हम बोल सकते हैं ऐसा काम होने वाला है। फर्स्ट टाइम? बिल्कुल। ऐसा क्या कर रहे हो इसमें? वो बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा आपको, बस मैं आपको बस वो कर दिया हूँ। हाँ, इस गाड़ी में बहुत सारा काम ऐसा होने वाला जो फर्स्ट टाइम होने वाला है। चलिए, हेडलाइट भी अपडेट होगा, हेडलाइट भी अपडेट होगा, DRL भी, फ्रंट से ग्रिल भी अपडेट होगा। अच्छा, हेडलाइट भी, DRL भी, ग्रिल भी, सब अपडेट होगा। फ्रंट से बहुत चीज अपडेट होने वाला है, मतलब ये सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। सारी चीजें चेंज होने, क्या क्या बोला आपने, हेडलाइट भी अपडेट होगी? हाँ, हेडलाइट, हेडलाइट अब तक तो करी नहीं है, आज नहीं, कैसे करेंगे ना आज? ये तो पैक आते हैं, सील रहे, सब होगा, सब होगा, टाइम लगा है तो होगा। अच्छा जी, आपको पता है एक चीज में मैं लगा रहता हूँ, और इसको भी 100% कंप्लीट करेंगे। व्हील आर्क जो है ये भी लगाएंगे। अच्छा, व्हील आर्क लगाओगे? फर्स्ट टाइम आप देखेंगे यूट्यूब पे बॉडी कलर का फुटरेस्ट। ओ भाई, अच्छा फुटरेस्ट भी ग्लॉसी ब्लैक कर दिया? बिल्कुल। इसमें क्या पेंट है क्या ये? वो है, पेंट है ये। अच्छा, लेकिन जबरदस्त लग रहा है, यानी कि मड फ्लैप भी इसका ब्लैक होने वाला है। अच्छा, ये मड फ्लैप भी है? बिल्कुल, मतलब एक एक चीज जो है। और इसमें जो विडिंग लगेगा वो यहाँ पे देखेंगे तो, ये रूफ रेल जो लगा है, ये बहुत सारा काम जो है इस गाड़ी में हम करने वाले हैं। यानी फुल ब्लैक एडिशन बना के छोड़ोगे इसे? ब्लैक एंड रेड एडिशन, रेड रेड भी है? बिल्कुल। आइए, इसका जो थीम बना रहे हैं ब्लैक एंड रेड में बना रहे हैं, क्योंकि ये पूरा डोर पे लेदर रैप होगा, स्टेयरिंग रैप होगा, फ्लोर मैट लगेंगे, सीट कवर लगेगा, बहुत सारा काम जो है हम इस गाड़ी में करने वाले। ये तो आपने अंदर से पूरी खोल रखी है, पूरी गाड़ी, पूरा सिस्टम इसका भी खुला पड़ा है।
भाई सीट खुल गई सारी, सारे पैनल्स खुल गए, कहाँ चले गए सारा डैशबोर्ड, कहाँ सारा काम हो रहा है, सारे अपने अपने स्थान पे गए हुए हैं। ये क्यों खोला, यानी VX ऑप्शनल है इसमें, तो लेड ड्राइव आता ना पूरा इंटीरियर आता है, लेकिन इसको हम एक बताया ना एक अलग बना रहा हूँ यूट्यूब पे, फर्स्ट टाइम जो है हम डालेंगे इसको, और बहुत ही बढ़िया चीज बनने वाला है इस गाड़ी में। अच्छा जी, ये सारा खुलने वाला, मतलब सारा चेंज होगा, पूरा चेंज होने वाला। जब अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है योगेश बाबू, जब हम गाड़ी तैयार करेंगे ना, जब ये निकलेगा, जब ये बनेगा, तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया, अल्फा टेल लाइट से लेके रिफ्लेक्टर लाइट तक बहुत सारा काम होने वाला है इस गाड़ी में। तो काम मतलब ये चालू है इसमें, आ जाए चालू है, तो अभी तो ये बिफोर कंडीशन कह सकते हैं, बिफोर कंडीशन कह सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। तो अब इसे कब तक रेडी कर दोगे, कब मिलूं मैं आपसे? लगेगा टोटल कम से कम 30 घंटा तो लगता है इस गाड़ी को करने में। 30 घंटा है 100% लगता 30 घंटा, मतलब एक दिन से एक्स्ट्रा भी 6 घंटे और हैं। दो दिन मान के चलिए कम से कम। तो फिर मैं आपसे 2 दिन बाद ही मिलूं। 2 दिन बाद। 2 days later। हाँ जी मानू भैया, हो गया सारा काम। ये देखो आज हम आपको दिखाते हैं गाड़ी जो तैयार किया हमने ना, ये सब आप लोगों की मेहनत है योगेश। अब मतलब माफिया एंडेवर हम इसे बोले, क्या बोले, मतलब ये क्या बना दिया। इनोवा हाई क्रॉस का ये VX100 मॉडल था। ओ भाई। और इसमें काम जो हुआ है ना, आर पार का काम हुआ, नेक्स्ट लेवल काम हुआ। इससे ज्यादा मॉडिफाइड मस्कुलर माफिया हाई क्रॉस शायद ही कोई होगी इंडिया, मतलब ही नहीं इंडिया में तो हो सकता है यार, मैं इतनी बड़ी बातें नहीं बोलता हूँ कि नहीं होगा, इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ी लोग तैयार कर देते हैं, पर हमारी नजर में हमने इसे एक अच्छा बनाने का प्रयास किया। भाई क्या लग रही है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिफोर कंडीशन आपने दिखाई थी, अलॉयज वगैरह, मतलब पूरा रूप ही चेंज कर दिया गाड़ी का। एक एक चीज पे काम किया गया है, कौन सा चीज अच्छा लगेगा, हाँ नहीं लगेगा, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सारा चीज पहले करके फिर हम इस गाड़ी में वो सारा काम किए हैं। फ्रंट से जो लुक इसका निकल के आया ना योगेश बाबू, जबरदस्त निकल के आया, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो लाइट लगाए गए हैं ना, 1, 2, 3, 4, ये जो प्रोजेक्टर हेडलाइट लगाए गए हैं, हेडलाइट चेंज कर दिया इसका, हाँ बिल्कुल, इसका आप थ्रो देखेंगे, इसका आप रिस्पॉन्स देखेंगे, तो दिन में ही अपना जलवा दिखा रहा है। ये कैसे चेंज की, मतलब ये तो इस गाड़ी की हेडलाइट तो चेंज ही नहीं हो सकती थी, नहीं होती, मतलब सील पैक थी, बिल्कुल सील पैक है, पर ये भी जो फिटिंग है कपलर टू कपलर है इस प्रोजेक्टर फोग लाइट का। अच्छा, ये पूरा हेडलाइट असेंबली चेंज है, असेंबल चेंज होता है, मतलब ये अंदर का जो पूरा है पूरा सिस्टम ही चेंज होता है पूरा, मतलब ये जो पूरा सेटअप है हेडलाइट असेंबली है ये पूरी चेंज हुई है। हाँ पूरी चेंज हुई है भाई। और इसमें 4 प्रोजेक्टर हैं, 4 प्रोजेक्टर जैसे कि आप देख पाएंगे, 1, 2, 3, 4। ये तो रात में अंधा कर देगी अगर इसे डिपर मार दिया तो किसी को, बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से आपको हेडलाइट पे काम कराना चाहिए, वर्थ है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है और लाइट से आप जूझ के गाड़ी चलाओगे मजा नहीं आता है, इसलिए लाइट पे आपको 100% काम करना चाहिए। और भैया को मैंने बताया, उन्होंने 1 मिनट से पहले बोल दिया कि नहीं हेडलाइट में काम करो, उन्होंने फिर ये हेडलाइट में काम करवाया, और इनका थ्रो आप देखो बहुत जबरदस्त है, इतना ज्यादा हो गया इसमें कि हमने फिर प्रोजेक्टर लाइट नहीं लगाया है, प्रोजेक्टर की तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल इसलिए। तो चलिए अब बताइए मनु भैया, स्टार्टिंग से आपने एक तो इसमें हेडलाइट इंस्टॉल किए हैं जी, और बताइए और क्या क्या। देखो यहाँ पे जो साइनिंग दे रहा है, इतना PPF हुआ है गरवारे का। अच्छा, गरवारे की। और ये टोयोटा का जो ग्रिल है, GR स्पोर्ट जो ग्रिल है, अच्छा GR स्पोर्ट ग्रिल, लुक निकल के आ रहा है ना आप देख पाएंगे। अच्छा, इस बार GR स्पोर्ट ग्रिल इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरे का जो सेटअप है प्रॉपर फिटिंग हो जाता है यहाँ पे, और टोयोटा लिखा हुआ मिल जाता है, काफी अच्छा लुक जो है ये निकल के आया है। चलिए, और जैसा कि फ्रंट से आप देख पा रहे हैं ना, ब्लैक और रेड का थीम है, मतलब रेड कम है, 10% रेड है, इसे हम असली डार्क एडिशन बोलेंगे। अरे हाँ, असली डार्क एडिशन जो है यही है, यही है, और हर एक चीज पे काम किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो डे टाइम रनिंग लाइट, इसे भी हाइड्रो डिप पेंट करा के ही इसमें फिटिंग किया गया है। अच्छा, इस पे भी हाइड्रो डिप पेंट है, बिल्कुल। ये देखेंगे तो फ्रंट रन जो है ये पूरा वाला है, ये देखोगे ना अंदर वाला है ये पूरा, इसको भी एक अच्छे तरीके से इसमें फिटिंग किया गया है, और ये कभी ना निकलने का चांस ही नहीं है, ये कभी नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे सारी चीजें ग्लॉसी ब्लैक कर दी है, पियानो ब्लैक कर दिया है, एक एक चीज पे, मैं बता तो रहा हूँ आपको, एक एक चीज पे काम किया गया है। और मैं देख रहा हूँ इस पे कहीं क्रोम ही नहीं दिख रहा, क्रोम है ही नहीं, बस थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। और ये व्हील आर्क लगाए गए हैं, और इसपे भी हाइड्रो डिप पेंट करके इस गाड़ी में व्हील आर्क जो है वो लगाया। अच्छा, पेंट किया है व्हील आर्क पे भी, बिल्कुल। और ये अलॉय व्हील जो है ये भी चेंज किए गए हैं। ओ भाई, और ये कैलिपर रेड कर दिए हैं, मतलब रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे टायर जो है, टायर भी हमने, टायर का प्रोफाइल बढ़ा दिया है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें 215 आता था, 60R17 है ना, बिल्कुल। अब ये क्या किया आपने, 255R
17 यानी कि 17 है। हाँ जी, तो गाइस पहले 215 था, इसमें अब 235 जो है कर दिया, यानी विड्थ बढ़ चुकी है टायर की। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये मड फ्लैप लगा दिए गए, इसे भी हाइड्रो डिपेंड किया गया है। हाइड्रो डिपेंड करके हैं। बिल्कुल, इसमें 0-0 फुटरेस फिटिंग किया गया है। 0-0 फुटरेस फिटिंग आज तक आप नहीं देखे होंगे कि ये पियानो ब्लैक में फुटरेस मिलता है। अच्छा, ये भी पियानो ब्लैक कर रखा है। हमने एक एक चीज पे काम किया है ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑड ना लगे, ऐसा लगे, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं तो जब तक हमें एक एक चीज पे काम नहीं करेंगे ना, वो निकल के नहीं आएगा। नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे भी हाइड्रो डिपेंड करा के इसमें, और ये जो बिडिंग्स वगैरह है इस पे GR लिख रहा हूँ, ये भी पियानो ब्लैक है। ये पियानो ब्लैक है और इम्पोर्टेड ये बिडिंग है। अच्छा, ये इम्पोर्टेड है, बढ़िया बिडिंग है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें फिटिंग किया गया है। यहाँ पे इसमें देखेंगे तो ये लाइट जो है सबसे पसंदीदा लाइट, हर किसी को पसंद आने वाला लाइट, बहुत प्यारा लाइट ये भी इसमें लगाएगा। अच्छा, ये ORBM की भी लुक्स को काफी हद तक एनहांस कर देता है, बहुत ज्यादा। आप देखेंगे इसमें गार्निश लगाया गया है, लेकिन पियानो वाला ही गार्निश लगाया गया, हाइड्रो पेंट वाला। ये क्रोम में थी, ये भी ग्लॉसी ब्लैक, इस पे भी डिप पेंट है पूरा। ये डोर वाइजर पे भी डिप पेंट है, डोर वाइजर पे भी भाई। और ये रूफ रेल, ये देखो गाड़ी रूफ रेल पे भी डिप पेंट किया गया है। आइए आप मेरे साथ, साइड से भी इसका आप प्रोफाइल देखेंगे ना तो पूरा लुक ही चेंज हो गया। अब रियर से क्या किया है, आइए रियर से ये देखो। ओ भाई गाइस, ये देखो, आज तो सरप्राइज दे रहे हैं भाई। ये अल्फाड टेल लाइट और इसमें स्मोक वाला है। ये जल रहा है तो ऐसा दिख रहा है, जब ये नहीं जलेगा तो कैसा दिखेगा, दिखाने वाला हूँ गाइस। अब देखिए ये इस टाइम जलते हुए, तो आप देखेंगे जब ये नहीं भी जलेगा जब जो लुक है जो इसका है वो बहुत ही, ये स्मोक में आ रहा लुक निकल, विदाउट जल के स्मोक में आ रहा है। बिल्कुल, यानी जल के तो ये लुक को एनहेंस कर ही रहा है, और बिना जल के भी, यानी इसकी मौजूदगी ही काफी काबिल तारीफ है। करेक्ट करेक्ट, और एक एक चीज मैच कर रहा है। देखो योगेश बाबू, ये सब मैच कर रहा है, 0-0 मैच कर रहा है। बिल्कुल, हर एक चीज पे काम किया गया। जैसे कि ये स्पॉइलर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे, हम लोगों ने लगाया है यहाँ पे, मैंने पहले भी लगाया पर वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन जो स्पॉइलर जो है इस गाड़ी का लुक को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। एक बार मनु भैया दोबारा से एक बार इसका एनिमेशन दिखाना चाहेंगे हम अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल गाइस, मैं एक बार आपको जला के दिखाता हूँ ये कैसी जो है चलती है। ये देखिए, ये है इसका फर्स्ट एनिमेशन, देख रहे हो, यानी क्या ही मतलब। एक तो ब्लैक कलर में गाड़ी है और ऊपर से ये रेड अल्फा टेल लाइट इंस्टॉल होने के बाद भाई गाड़ी की लुक, और एक स्पोर्टीनेस बढ़ाने के लिए स्पॉइलर लग गया गाड़ी में, और साथ ही साथ इन अलॉयज को देखिए, जो कि प्रोफाइल इनकी है 235/55R17, ये भी पूरे ग्लॉसी ब्लैक कर दिए गए हैं, और फाइनल लुक आपके सामने देख सकते हैं गाइस। तो चलिए मोनू भैया से ही बात करते हैं। हाँ जी मोनू भैया, ये क्या बना दिया, मतलब ऐसी लुक लग रही है गाड़ी की। नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, ये बनाया क्या है? और बेहतर बनाएंगे योगेश, मेरा तो प्रयास है। आप देखो ये हाई क्रॉस गाड़ी जैसी आई थी वैसी रही नहीं, नहीं रही बिल्कुल, है ना। यहाँ पे छोटे छोटे रिफ्लेक्टर लाइट और रियर बम्पर गार्ड को पियानो होते हुए आपने कब देखा। ये भी पियानो ब्लैक कर दिया पूरा, कुछ छोड़ा नहीं छोड़ा। देखेंगे तो ये जो है आपका बैक रन, इस पे भी हाइड्रोडी पेंट जो है वो कर दिया गया। मुझे तो लग रहा अंदर भी पूरा इंटीरियर भी पियानो ब्लैक करवा दिया। आइए तो सही चला इंटीरियर, काम में देर नहीं करते योगेश बाबू। क्या किया इंटीरियर में, देखिए इंटीरियर में यहाँ पे आपका ब्राउन आता है। ओ भाई, पूरा कंसेप्ट इस गाड़ी का ब्लैक एंड रेड रखा गया है, पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक जो लेदर है वो वर्किंग किया गया और रेड का स्टिचिंग किया गया। ये धागा भी स्पेशल मंगा के लगाया हमने इसमें। अच्छा जी, तभी वो लुक निकल के आ रहा है। अच्छा, मतलब इसमें ये VX वेरिएंट है, इसमें सारा कुछ ब्राउन आता है, ब्राउन आता है अंदर का सारा इंटीरियर ब्राउन आता है, और इसे पूरा बदल के हमने ब्लैक एंड रेड बना दिया। ब्लैक एंड रेड, क्या फर्स्ट टाइम देखेंगे हम लोगों ने ऐसा काम किया है यहाँ पे। और ये क्या चल रहा है इसमें, ये एम्बिएंट लाइट है, सेपरेट एम्बिएंट लाइट। ओ भाई, आपको पहले हम लोग जैसे अभी भी लगाते हैं यहाँ पे लगाते हैं, वो ना लगा के ये सेपरेट एम्बिएंट लाइट इसमें लगा दी। अच्छा, ये गाइस ये जलते हुए देख सकते हैं, और ये जलेगा तो बहुत बढ़िया दिखेगा, नहीं जलेगा तो भी बढ़िया दिखेगा, क्योंकि ये पूरा ग्लॉसी में रहता है आपका। गाइस इस टाइम ना ये जल रही है, मैं एक बार इसको ना बंद करके दिखाता हूँ आपको। इग्निशन हम थोड़ा सा बंद करते हैं, अब देखिए ये देखेंगे, आपको पता नहीं लगने वाला है कि ये एम्बिएंट लाइट लगा है। अब ये नहीं जल रहा तो पियानो ब्लैक हो गया, यानी लुक्स कहीं ना कहीं हर चीज लुक्स बढ़ा रही है, चाहे जले चाहे ना चले, क्या चाहे वो टेल लाइट हो या ये,
काम ऐसा करो कि मजा आ जाए, क्योंकि हमेशा चलने वाला आइटम नहीं है, नहीं है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो नहीं जले तो ऑड नहीं लगना चाहिए, अच्छा लगना बिल्कुल चाहिए। तो इसलिए सेपरेट एम्बिएंट लाइट जो है इस पर लगाए गए। ठीक है, और बताइए उन्होंने ये वही शेडो लाइट जो लगाते हैं। ये हो गया शेडो लाइट, ठीक है जी। वेलकम लाइट, वेलकम लाइट। मेरा बस नहीं चला, नहीं तो ये जो ब्लू जल रहा है ना इसे रेड जलाता। अच्छा चलिए रेड में भी आ जाएगी, वो बनवा लेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे तो ये एम्बिएंट लाइट जो है मतलब इसका यहाँ पे लगाया गया। अच्छा नीचे लगाई है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑलरेडी हमने इसे रेड का डीप पेंट किया है जिससे कि ऑलरेडी लुक यहाँ से आ रहा है, तो इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लगाया है। ये सब आपको सिल्वर का पार्ट मिलता है और इसे रेड कार्बन में इसको किया गया, ब्लैक एंड रेड का जो थीम है, जो प्रॉपर थीम है उसमें काम किया गया। आप ये देखेंगे ये छोटा सा टुकड़ा जो है इसे भी किया गया। अच्छा, कई लोग ये भूल जाते हैं। अच्छा गियर नॉब के नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल, भाई भाई यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी कर दिए हैं, और एसी वेंट पे, और ये स्टीयरिंग पे देखिए आप गाइस, ये देखिए क्या मतलब हर चीज का कितनी बारीकी से जो है, कितनी फिट एंड फिनिश से जो है ये काम किया गया है। ये रेड कार्बन फाइबर में किया है बिल्कुल। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एरिया जो है इसे भी कर दिया। अच्छा ये सारा सारा जो है ये भी डिप पेंट है गाइस, ये देख सकते हैं सारे पैनल डिप पेंट किए गए, और ये ऊपर ग्लॉसी ब्लैक है किया गया, मीटर पे ग्लॉसी किया गया है, स्टीयरिंग रैप जो है वो किया गया। अच्छा स्टीयरिंग भी रैप हुआ है बिल्कुल, ये ब्लैक में ही सिंगल में है। मैट नीचे जो है फ्लोरिंग किए गए हैं कारपेट वाला। अच्छा कारपेट वाली फ्लोरिंग भी की, और ये उनकी ये सारी रेड स्टिचिंग है। और एक चीज और बताएं आपको। हाँ जी बिल्कुल बताओ। इसे हम क्या बोलते हैं? ओहो ये हुई ना बात, सीट कवर है। ये हमारा सीट कवर का जो डिजाइन है ये लहरी डिजाइन है। ये डिजाइन है लहरी डिजाइन है भाई। और ये हमारा फेवरेट डिजाइन सीट कवर जो है लहरी डिजाइन, ब्लैक एंड रेड थीम में इसे बनाया गया है। आप देखो ना क्या कंट्रास्ट लगा भाई, मतलब क्या एक एक चीज, एक एक धागा, एक एक फिटिंग आपको बोलेगा कि हाँ मैं हूँ कुछ है। मैं नहीं, हम मतलब सारे लोग हैं। सबकी मेहनत है योगेश, एक अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सारे बच्चे लोग हैं उनकी बहुत मेहनत है, बिल्कुल, वो हम बिल्कुल। बताते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। कंसोल पे भी ये डबल स्टिचिंग प्रॉपर तरीके से, जो रेड थ्रेड है ना बहुत प्रीमियम थ्रेड है उसमें इसको फिटिंग किया गया। देखेंगे रिंकल तो आपको कहीं भी मिलने नहीं मिल रहा, रिंकल तो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये डिजाइन जो है आप देखेंगे जितने भी गाड़ी हम तैयार करते हैं जो सबसे एक नेक्स्ट लेवल का जाता है वो यही डिजाइन, यही डिजाइन। सेकेंड रॉ में भी वही लेदर का रैप, और ये देखेंगे तो एम्बिएंट लाइट का जो चार पार्ट मिल जाते हैं, हाइड्रो डिप पेंट जो किया गया है, ब्लैक एंड रेड का जो कार्बन में किया गया है, ये वेलकम लाइट, शेडो लाइट, और सीट कवर कैप्टन सीट वाला। अच्छा ये 7 सीटर रहती है जी, और इसमें फ्लोरिंग किए गए हैं। अच्छा फ्लोरिंग तो 100% होना चाहिए, फ्लोरिंग कर दिए गए। अच्छा ये आपने फ्लोरिंग की है, बिल्कुल दिखाओ एक बार। ये कौन सी फ्लोरिंग है? ये क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग है, क्रोकोडाइल है, ठीक है जी। फ्लोरिंग हो जाना चाहिए ताकि क्या है कि आपका गाड़ी जो है हमेशा क्लीन रहे, क्लीन। यहाँ पे आपका पॉकेट वगैरह जो है ये प्रॉपर मिल जाता है, यहाँ पे प्लास्टिक डाल देते हैं ताकि पॉकेट लंबा चले, जितना मर्जी आप सामान डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लोगो है, इस लोगो के प्रति प्रेम जो है लोगों का वो हमेशा बना हुआ है, भरोसा है लोगों पे, सोन मोन, बिल्कुल बिल्कुल। देखो नफा नुकसान एक अलग बात है, लेकिन एक ब्रांड पे जो ट्रस्ट होना बड़ी बात है, बड़ी बात, और वो होना चाहिए और वो हमेशा बने रहना चाहिए। ठीक है जी यार, नेक्स्ट लेवल काम है आज है जी। तो फाइनली मनु भैया आज आपने ब्लैक कलर की माफिया बना दी है। एक माफिया आपने कुछ एक साल पहले ही बनाई थी, याद हो तो आपको? याद है, बिल्कुल याद है। तो उसे माफिया का टाइटल दिया था, बिल्कुल, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे आ चुकी है, बिल्कुल वो सेकंड पे कर दिया आपने। कुछ ऐसा नहीं रहा है जो हम नहीं किए, नहीं किया, और हर एक चीज एक एक चीज करके करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने इसे किया है, किया है। कितना टाइम लगा इस गाड़ी में? टाइम मैं बोल सकता हूँ 4 दिन लगा है इस गाड़ी को तैयार करने में, क्योंकि एक एक चीज ध्यान से देखना तो टाइम तो लगता ही है। अच्छे अच्छे काम है तो टाइम लगेगा ही, टाइम मांगता है बिल्कुल। चलिए बताइए फिर हमारे व्यूअर्स को कहाँ आना होगा, कैसे आना होगा, कब आना होगा। कुछ ऐसा आप भी मोटिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो विजिट करें सोनमोन कार एसेसरीज, करोल बाग न्यू दिल्ली, नियर बाय करोल बाग मेट्रो स्टेशन, और होटल ब्लूम के सामने ही हमारा एक छोटा सा आउटलेट है, वहीं पे हम लोग काम। छोटा सा आउटलेट है, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो। बड़ा काम, अरे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इससे भी अच्छे अच्छे काम करते हैं। मैं तो रोज सीखता हूँ कि नया क्या कर सकता हूँ, है ना, तो वो चीज है, मैं भी सीख के ही करता हूँ योगेश। तो मनु एक कॉन्टैक्ट डिटेल और दो, नंबर बताऊँ आपको, 9917669585 नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9917669585। ओके चलिए, थैंक यू मनु भैया, इजाजत है जाऊँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उठा के ले आते हो यहाँ जंगल में, बताओ। ना आप क्या पी पू ज्यादा होती है ना करोल बाग में। okay. और ठीक है, थैंक यू आपने मिलवाया हमें ऐसी इस लाजवाब माफिया गाड़ी से,
बिल्कुल ठीक है, चलिए मिलवाएंगे। हाँ जी, लेकिन मजा आ गया। मजा तो आ गया भाई, जो बात एक एक चीज जो है तराश के लगा 100% कंप्लीट रहा है, एक भी चीज ऐसा नहीं है कि 90 पे आके अटक गया है। चलिए मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सर बहुत अच्छे योगेश, बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले आप बताइए, आज आपने अपनी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के VX वेरिएंट को एक अल्टीमेट लेवल की जो है मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में करवाई है, यानी पूरी गाड़ी की लुक जो है एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर तक काफ़ी हद तक जो है इन्हेंस कर दी है। सबसे पहले आप बताइए, आप आए कहाँ से हो? तो योगेश मैं आया तो पश्चिम विहार से हूँ, लेकिन हमारी अमेरिका में और इंडिया में कंपनीज हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आना जाना लगा रहता है, बट हमारा जो रिहाइश है वो दिल्ली में ही है। अच्छा, दिल्ली में है। तो बेसिकली आपकी अमेरिका बेस्ड जो है कंपनीज हैं, जो कि इंडिया में भी हैं। हाँ, इंडिया में हमारे बैक ऑफिस देखो क्या हुआ था। तो सर यानी आप अमेरिका यानी US में आप जो है रहते हो, और काफ़ी गाड़ियां आपने US में भी देखी होंगी, वहाँ तो एक नेक्स्ट लेवल का जो है गाड़ियों से इंटरेस्ट है, और काफ़ी मॉडिफाइड गाड़ियां वहाँ भी रहती। तो सर ऐसे ऐसा काम कराने का आप में मतलब क्या आइडिया आया, क्या मतलब क्या रहा है पूरा एक्सपीरियंस? हाँ, तो एक वर्ड है ग्रीक में जिसे बोलते हैं थीरियन। थीरियन का मतलब होता है बीस्ट। अच्छा अच्छा। तो ये गाड़ी हमने ली तो ये सोच के थी कि फैमिली के लिए लेंगे, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट कार बनाने का इसका हमने सोचा कि इसको कुछ डिफरेंट करते हैं। हाँ जी। और इसलिए हमने इसको बीस्ट मोड में लाने की कोशिश की, ऑल ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में। हाँ जी। तो वही मोनू भाई ने और आप लोगों ने मिलके इसका जो साथ दिया, बहुत ही कमाल की आउटलुक इसकी निकल के आई है गाड़ी की। तो सर ब्लैक कलर था, पूरी बोल्ड लुक बन चुकी है, माफिया कार बन चुकी है हम कह सकते हैं, और काफ़ी इंटीरियर इन्हेंस हो चुका है। सर इसे इन्हें देखते हुए जो गाड़ी में एक्सरीज इंस्टॉल हुई है, उनके प्राइस वगैरह, क्वालिटी वगैरह उन्हें देखते हुए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए प्राइस की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन प्राइस बहुत रीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ओवर द टॉप प्राइस है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ, साथ में क्वालिटी जो है वो तो आप ही बता सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठे हैं। क्या बात तो है? उस तरीके से ये बनाई गई है गाड़ी। इसमें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स रखी गई हैं, जैसे पियानो फिनिश अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ऐसी नहीं मिलेगी आपको। एम्बियंट लाइटिंग भी अगर आप देखेंगे तो शायद मैंने पहले कभी देखा नहीं है। तो मोनू भाई ने बहुत ही अलग अलग जहाँ से असेंबल करा के सामान मंगवा के गाड़ी को बहुत दिल से बनाया। तो सर सारी चीज़ों को देखते हुए क्या एक्सपीरियंस रहा टोटल? यार मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैं बताता गया और काम होता गया। और ये सबसे अच्छी कस्टमर सर्विस की यही निशानी है कि आपको एज अ कस्टमर ट्रीट ना किया जाए। तो मोनू मेरे छोटे भाई की तरह है। अब आगे मेरी और जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां सारी मोनू ही करेंगे, वो करते ही आ रहे हैं तो वो ही करेंगे बिन गाड़ी। बिल्कुल। तो सर यानी कुल मिला के सेटिस्फेक्शन वाली बात रही? A+ सेटिस्फेक्शन है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, थैंक यू सर, आपकी वीडियो हमारे लिए वैल्यूएबल रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू योगेश। तो गाइज सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बता दिया मोनू भैया ने, कि इस तरीके से आज इस टोयोटा इनोवा आई क्रॉस VX को जो है मॉडिफाई किया गया। असली जो मॉडिफिकेशन जो शब्द है ना वो इन्हीं गाड़ियों के लिए है। वैसे जो हम जो है मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ज़्यादातर क्रोम वगैरह, हेडलाइट वगैरह ये थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, इसे हम शायद मेरे हिसाब से तो मॉडिफिकेशन बोलेंगे नहीं। असली मॉडिफाइड गाड़ी ये है जो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, माफिया हाईक्रॉस जो है बन चुकी है। आई होप आपको दोस्तों ये गाड़ी आज पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और आई होप तो कहने का आज मतलब ही नहीं है, 100% पसंद आई होगी। तो और आप भी दोस्तों ऐसा कुछ भी काम करवाना चाहते हो, बेझिझक डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले पर सोन मून कार एक्सचेंज वालों का यानी जो मोनू भैया इनका नंबर सो होता दिख रहा, बेझिझक जो है कॉन्टैक्ट कर सकते। अपनी गाड़ी अगर ऐसी बनवाना चाहते हो तो आप भी बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये दोस्तों आज वीडियो में मिलेंगे इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।